टेक्निकल क्यू चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लेटेस्ट अपडेट हासिल करने के लिए बेल आइकन को दबाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कबीर और आप देख रहे हैं टेक्निकल क्यू। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्मार्टफोन के प्रिंटर की, पॉकेट प्रिंटर। और तो बहुत सारी कंपनियों ने बनाए हैं, खासतौर से चाइना में ये आगाज हुआ और चाइना ने बहुत सारे प्रिंटर बनाए, लेकिन हुआवे ने एक अभी नया प्रिंटर बनाया, क्या कमाल का बहुत ज़बरदस्त प्रिंटर बनाया है यार। उसमें से दो तीन काम आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो उसकी पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी है, मतलब आप यार HD रेजोल्यूशन में उससे पिक्चर बना सकते हैं। और इसके अलावा कहीं आप ट्रैवलिंग के दौरान आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है अगर उसको प्रिंट करने की या कहीं से निकालने की, तो वो भी आप काफ़ी आराम से निकाल सकते हैं। किस तरीके से निकाल सकते हैं ये टोटल डिटेल मैं आपको बताने वाला भी हूँ और दिखाने वाला भी हूँ। लेकिन इससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले। चलिए तो दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है सारा कुछ, टोटल मैं डिटेल आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, ये प्रिंटर है बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही छोटा सा, बिल्कुल एक स्मार्टफोन जितना है। और इसका वज़न जो है 195 ग्राम है और इस्तेमाल करने में भी निहायत ही आसान है। ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट होता है और कहीं भी चलते फिरते, मतलब आप इससे कोई भी पिक्चर, कोई भी छोटी बहुत जैसे NIC है या राशन कार्ड वगैरह भी आप इससे प्रिंट करके निकाल सकते हो। और इसके साथ ये छोटे छोटे पैकेट मिलते हैं प्रिंटर पेपर के, प्रिंट पेपर के। ये पेपर भी बहुत सस्ता अवेलेबल है और ये है काफ़ी, समझता हूँ और जितने भी हैं उनकी नस्बत काफ़ी कमाल का है। अभी ये चेक करवा रहे हैं खोल के इसको, कि किस तरीके से, मतलब इसको यूज़ करना है, टोटल इसके अंदर क्या क्या आता है। ये सी टाइप माइक्रो छोटा सा USB डाटा केबल है जो इसके साथ कनेक्ट होता है चार्जिंग के लिए, रिचार्ज करने के लिए। और आप इसको एक रिचार्ज पे कम से कम 23 से लेकर 25 तक पिक्चर बना सकते हैं। ये मैनुअल गाइड है इसको यूज़ करने का, तरीक़ाकार के लिए जो व्यवहार आते हैं। और इसके साथ ये दो जो छोटे से पैकेट हैं ये आते हैं प्रिंट पेपर के। और इसके साथ ये इसको खोल के जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें सबसे पहले एक छोटा सा ब्लू टाइप का एक पेपर होता है जो उसको टेस्ट के तौर पे दिया जाता है, वो निकलता है। उसके बाद फिर जितने भी आप उसमें से इजी तरीके से प्रिंट निकाल सकते हैं। ये देखें ना कितना आसान, जैसे बैटरी की जगह बतनी होती है इस तरीके से छोटी सी जगह है, बस इसको काट के उसके अंदर ये प्रिंट पेपर, ये जो ऊपर ब्लू देख रहे हैं ना ये टेस्ट पेपर होता है, ये सिर्फ टेस्ट करने के लिए, इससे कैसे आप यूज़ कर निकाल सकते हैं। ये इसमें रखा बहुत ही ईजी तरीके से रखा जाता है, आराम से, जैसे किसी मोबाइल के अंदर आप बैटरी डालते हैं ना इस तरीके से उसमें डालना है और ऊपर इसको ढक्कन लगा देना है। और इसके सामने फिर पावर बटन है, इसको पावर बटन को आपने ऑन करना है और इसके साथ फिर मोबाइल में जाकर आपने इसको ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करना है। ब्लूटूथ के साथ जब आप इसको कनेक्ट करेंगे उसके बाद मुकम्मल करने के बाद पूरा प्रोसेस छोटा सा जैसे होता है उसको पूरा कंप्लीट करके, उसके बाद आपने अपनी जो भी पिक्चर आप निकालना चाहते हैं वो पिक्चर अपने मोबाइल में उसको आप ऑन करेंगे। ये पहले ये टेस्ट पेपर है टेस्ट करने के लिए, जैसे ये ब्लू पेपर निकला, ये टेस्ट होने के बाद आप इसमें से कोई भी तस्वीर सिलेक्ट करें, फिर उसको थोड़ा बहुत जितना भी आप एडिट कर सकते हैं, मतलब उसका ब्राइटनेस है या कंट्रास्ट है या उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड फनी तौर पे, जैसे उसमें कैप है या ग्लासेस हैं या कोई ऐसे इमोजीज वगैरह, कुछ भी आप उसमें, जैसे तस्वीर को हम नॉर्मली एडिट करते हैं इस तरीके से आप उसको एडिट करके इजी तरीके से आप उसको प्रिंट करके निकाल सकते हैं। और जब ये प्रिंट निकलेगा दोस्तों, आप देखना कितना बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये प्रिंटर है। आपने उसको जब इंस्ट्रक्शन देंगे, ये देखें ये आपके सामने ये पिक्चर निकली है, कितनी पूरी HD फुल HD लग रही है, काफ़ी अच्छी रेजोल्यूशन के साथ है। तो ये चलते फिरते इसकी सहूलत है, आप जैसे मैंने पहले भी बताया आप 23 पिक्चर आप इससे आराम से एक दफ़ा रिचार्ज करने में 23 से 25 तक निकाल सकते हैं और इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है ज़रूरत भी नहीं होती। लेकिन उसके बावजूद भी आप इसको रिचार्ज करके दोबारा से आप इसे अब पिक्चर बना सकते हैं, मतलब 23 से 25 पिक्चर। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको ताज़ा तरीन जितनी भी नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलते रहेंगे। एक लाइक तो बनता ही है दोस्तों, लाइक करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।